हुण खबरां विस्थार दे नाल ते सब तो पहला गल करदे आ अहम खबर की। सब तो पहला गल करदे आ दिल्ली निगम चोणां की, जिस नूं लै के अज वोटिंग हो रही है। मुख मुकाबला भाजपा आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस विचाले है। हालांकि इस विचकार आजाद उम्मीदवार भी कईयां दी खेड विगाड़ सकते हैं। इस ते आधारित है साडी खास पेशकश दिल्ली दा दंगल। दिल्ली विच एमसीडी चोणां लई वोटिंग शुरू हो गई है। 8 बजे दा समां सी ते 250 वार्डां ते 1349 उम्मीदवार अपनी किस्मत अजमा रहे ने। 1,45,00,000 तों वध वोट जमहूरी हक दी वरतों करनगे ते शाम 5:30 बजे तक ए वोटिंग प्रक्रिया चलेगी। 7 दसंबर नूं इस दे नतीजे ऐलाने जाणगे। हालांकि जरूर दस दईए कि 13,638 पोलिंग बूथ बनाए गए ने। 56,000 ईवीएम दा इस्तेमाल कीता जा रहा है। मुख मुकाबला करड़ा मुकाबला इस बार भाजपा आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस विचाले तो जरूर रहने वाला है। पर हालांकि ये भी जो अग्यासरियां लग रही ने कि आजाद उम्मीदवार भी खेड जरूर बिगाड़ सकते हैं। 4,000 तो बाद पुलिस मुलाजम तैनात भी कर दिए गए हैं। 3,360 पोलिंग बूथ संवेदनशील दसे जा रहे हैं। सो हालांकि देखना होगा कि किहो जा मुकाबला ये रहने वाला है। तो वोटिंग प्रक्रिया पूरी तरह के नाल शुरू हो चुकी है। तो उस तो पहला वड्डी गिणती दे विच वोटर जिहड़े ने पहुंचने शुरू होए वख-वख इलाके तो तस्वीरां भी तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हैं। 40,000 तो बाद पुलिस मुलाजम तैनात किए गए हैं ता जो सुरक्षा नूं भी यकीनी बनाया जा सके। इत्थे तस्वीरां विच वेख्या जा सकदा है कि 8 बजे तो पहला ही लाइना लगनी शुरू होगी ते किस तरह उत्साह इत्थे वोटर नजर आ रहे ने इन्हां तस्वीरां विच साफ वेख्या जा सकदा है। ते इन्हां चोणां विच अहम जो गल है वह दस दईए भाजपा अपनी साख बचाउण विच लगी है। उत्थे आम आदमी पार्टी निगम विच अपनी जगह बनाउणा चाहुंदी है ते पिछले 15 सालां तों इत्थे भाजपा काबज़ है। ते दिल्ली दी एमसीडी चोणां दा गणित जेकर असीं गल करिए इसकी कुल 250 वार्डां लई 1,46,73,847 वोटर अपने जमहूरी हक की वरतों करनगे। 79,86,705 मर्द वोटर ने 66,81,000 महिला वोटर इस विच शामिल ने। हालांकि ट्रांसजेंडर वोटरां दी गिनती करीब 1,061 दसी जा रही है। 250 सीटां दे विचों 42 पिछड़े वर्ग लई ते 50% महिलावां लई राखियां कीतियां गईयां ने। हालांकि पिछले 15 सालां तों भाजपा दा दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन उत्ते कब्जा कायम है। तां 2017 दे विच जरूर कुल 272 सीटां उत्ते भाजपा नूं मिलियां सन ते 181 आम आदमी पार्टी नूं मिलियां सन ते 48 ते ही कांग्रेस नूं अपना गुजारा करना पिया। 13 ते होरां नूं 30 सीटां मिलियां सन। ते हालांकि देखना जरूर होवेगा कि ऐतकी वार दीआं चोणां किहो जिहे रहण वालियां ने, क्योंकि पहला एमसीडी चोणां जिवें लटकियां इक वड्डा ते गंभीर मुद्दा रहा। हालांकि दस दिए सब विचकार के साडे नाल साडे सहयोगी रजौरी गार्डन तो जसपाल ते नाल ही कालका जी तो साडे नाल साडे सहयोगी हरप्रीत बंदेशा भी बन चुके ने। तो इस बार हदबंदी तो बाद वार्डां दी गिणती 272 तो घट के 250 हो गई है। साडे सहयोगी रजौरी तो जसपाल जुड़ गए ने। जसपाल, रजौरी गार्डन तो किस तरह दीआं तस्वीरां सामने आ रहीआं ने? जी काव्य, अगर तुहानू दसीए तां दिल्ली दे विच काफ़ी दिनों तो सियासी दंगल जो पकिया होए सी एमसीडी चोणां नूं लैके, और इस वेले असीं मौजूद आ वार्ड नंबर 96 रजौरी गार्डन दे विच। हले सवेर दे अठ बजे है और हले लोक इन्ना वोट पा नहीं आ रहे, सिर्फ स्टार्टिंग हुई है सवेर दी। तुहानू दस दईए कि 250 वार्डां ते अज टोटल वोटिंग होनी है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी समेत लगभग 1,349 कैंडीडेट्स अज अपनी किस्मत इतने एमसीडी चोणां च अजमा रहे ने। तुहानूं दस दईए कि जो दिल्ली की जो एमसीडी है वो दुनिया भर च दूजे नंबर ते आने वाली म्युनिसिपल कारपोरेशन है। टोकियो तो बाद दिल्ली की सब तो वड्डी एमसीडी मनी जाती है। सवेर दे 8 बजे हैं, हले तुसीं अज वीकेंड का दिन है, लोग सवेरे आना पसंद नहीं करते। थोड़ी देर बाद लोग आन गए वोट पाण गए, क्योंकि वीकेंड का दिन है। तुहानूं दस दईए कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी 1.5 दहाके तो 15 साल तो एमसीडी दे विच काबिज है, और कांग्रेस भी इस बार साइलेंट प्रचार के तौर पर सामने आई सी। कांग्रेस ने खुल के प्रचार नहीं किया, बट लोगों से जा जाके प्रचार किया, और काफ़ी सियासत एमसीडी चोणां लई जुड़ी रही। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री सारे जिन्हें वड्डे लीडर से इन्हां एमसीडी चोणां दे विच प्रचार करते असी वेखे सीगे,
ताकि जो 15 साल तो उन्होंने सरकार इस दे विच जुड़ी हुई है वह अगले 5 साल होर आ सके और आम आदमी पार्टी भी बीजेपी ते कूड़े दी सियासत करदी रही है जी काबी जी ठीक है जसपाल तुसा ना बने रहो हरप्रीत पंदेशा साडे नाल कालकाजी तो बने होए ने उहनां दा वेरुख कर लैने आ काल सब तो पहला तां तस्वीरां हरप्रीत जरूर देखणियां चाहवांगी क्योंकि लंबे समय तो चोणां दा रेड़का चलदा रहा मुलतवी होईआं तां उस तों बाद हालांकि अज लोकां दा किन्ना उत्साह देखण नूं मिल रिहा है की भीड़ जुटणी शुरू हो चुकी है जी बिल्कुल देखो मैं इस वेल कालका जी खड़ा एक कालका जी सीट अपने आप इस करके हॉट मनी जाती क्योंकि इतों आतिशी सिंह जड़े ने वह विधायक ने आम आदमी पार्टी के वड्डे लीडर ने इतने पोलिंग जी शुरू हो चुकी है देखो कि लोग अंदर वोट पाने वास्ते जान शुरू हो चुके हैं अपना जो आई कार्ड है जो अपना पहचान पत्र है उन्होंने दिखाओ तो अंदर जाके वोट पाओ लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी बीजेपी ते कांग्रेस तिना सामने वखरिया चुनौतियां ने जिथे बीजेपी अपनी साख बचाने लई तीसरी वार तीन वारी जीत चुकी है अपनी अगे चौथी बार अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेगी उत्थे ही आम आदमी पार्टी के सामने चुनौती होएगी कि किसी तरीके MCD उत्ते काबिज होया जाए फिर कांग्रेस जिहड़ी कि लगातार अपनी जगवाची जमीन नूं तलाशन की कोशिश कर रही है उसके सामने चुनौती होएगी कि कांग्रेस इत्थे रिवाइवल करे क्योंकि कांग्रेस क्योंकि जिहड़ी MCD दी चोण उहनूं एक तरीके नाल मिनी लोक विधानसभा कहा जाता है एक शख्स अंदर आके वोट पा के आ रहे हैं एक बार कोशिश करांगे सर वोट कास्ट कर दिया आपने क्या सोच के वोट डाला बस जो सोचा था उसको सोच के डाल दिया क्या MCD के क्या बड़े मुद्दे रहते हैं सबको पता है देखो पहले वोटर सन जिहड़े अंदरों वोट पा के निकले ने जाहिर तौर पर लोग अपने पत्ते नहीं खोलते हालांकि वो जरूर कह के कि सब नूं पता है कि की मुद्दा है लेकिन इस बारी जो कि MCD की चोण है सब तो वड्डा मुद्दा रहा उसी कूड़ा कूड़े के पहाड़ नूं लैके बहुत ज़्यादा राजनीति हुई लेकिन दिल्ली की जनता की चाहती है दिल्ली की जनता किस दे हक च फतवा देगी ये साफ होएगा 7 तरीक जो नतीजे आएंगे 8 बजे सवेरे जी वो पोलिंग शुरू हुई तो शामी 5:30 बजे तक ये पोलिंग चलेगी दिल्ली के इस बारी जी एक वक्री चीज़ की गई है वो ये कि दिल्ली के पहले सिर्फ जी सिक्योरिटी सी सेंट्रल फोर्सिस दिल्ली पुलिस के हवाले होंगी सी इस बारी राजस्थान उत्तर प्रदेश के जो होमगार्ड्स ने उन्होंने भी इतने डिप्यूट किया गया सिक्योरिटी के चलद बाकी इस तो अलावा जो तकरीबन 40,000 दिल्ली पुलिस के जवान जोड़े ने वक्रे वक्रे जगह पर तैनात किए गए हैं तो ये MCD दिल्ली की इतने तुम वेख सकते हो तस्वीर वोट भुगत होते हुए इतने लोग नज़र आ रहे हैं तो इतने लाइना विच लगे हुए नज़र आ रहे हैं हालांकि हले शुरुआत है इसलिए घट गिणती है लोगों की इस समय तो शाम 5:30 बजे तक इसी तरह वोटिंग होएगी जेकर गणित की गल की जाए 250 सीटा चो 42 पिछड़े वर्ग लई 50% महिलावां भी मैदान में ने ते पिछले 15 सालों तो भाजपा का दिल्ली म्यूनसीपल कारपोरेशन से कब्जा लिया तो साढ़े सहयोगी लगातार साढ़े नाल बने हुए ने हरप्रीत जेकर दिल्ली की राजनीति की गल की जाए तो MCD की चोण इन्नी अहम क्यों है इस समय देखो दिल्ली मैं उही दस रहा कि दिल्ली की MCD तुसी एक तरीके ना मिनी विधानसभा समझ सकते हो पहला इतने 3 MCD सी जिहड़ियां कि शीला दीक्षित सरकार ने अपने वेले पूरी 1 MCD तोड़ के 3 बनाईया उस तो बाद इस बार फिर मई के इनू फिर तो 1 MCD कर दिता गया इस बार जो MCD का मेयर होएगा तुसी ये मान के चलो कि उसका रुतबा मुख्यमंत्री तो घट नहीं होएगा वो एक अपने आप से वड्डी ताकत बन के बैठेगा जिस पार्टी नू जनता फतवा देगी इस MCD की चोणों के मन के चलिया जाए कि अगलिया जिहड़ियां इलैक्शनस होणगे उन्होंने उन्होंने काफ़ी वड्डा हुंगारा मिलेगा लेकिन इसका मिथ जिहड़ा वो पिछली बारी टुटता होया नज़र आया कि जो MCD के BJP आई तो उस तो बाद जो चुनाव होए दिल्ली के आम आदमी पार्टी नू फतवा मिले आम आदमी पार्टी सत्ता दे विच आ गई लेकिन क्योंकि दिल्ली की जिहड़ियां आम जरूरत ने क्योंकि MCD आम जरूरत नाल जुड़ी चीज़ है सफाई कूड़ा इन्होंने चीज़ों का काफ़ी अहम है तो दिल्ली के जिस तरीके दे नाल कूड़े के पहाड़ देखने को मिले तुम पंजाब जाने हो तुम GT करनाल रोड पर कूड़े का पहाड़ देख सकते हो उसको लैके खूब सियासत हो रही है गाजीपुर साइड जाओ उत्थे तुहानू कूड़े का पहाड़ नज़र आएगा MCD लैके BJP लगातार इस गल से विपक्षियां पार्टियां जो घेरदी रही ने कि इन्होंने काम ही नहीं किया पिछले 15 साल तो सत्ता से ने लेकिन इन्हें काम नहीं किया जेकर इन्होंने काम किया होंगे तो काम दस दे अपने काम गिना नहीं पाए उत्थे आम आदमी पार्टी तो यह आरोप लगता है कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि असं दिल्ली नूं लंडन पैरिस बना देंगे तो दिल्ली का हाल की है जेकर साडे वीडियो तुहानूं दिखा सकन तो लोग इत्थे हुण हौली हौली वोट जिहड़े ने पाउणे आ रहे हैं तो दिल्ली का हाल की है इस सब नज़र आता है तो इस करके जी हालात जिस तरीके के बने हुए हैं जिस तरीके की दिल्ली इस वेले हैगी है उसनों लैके लगातार सियासत जरूर पकती हुई नज़र आ रही है हुण सवाल है कि लोग किस मुद्दे को ध्यान रख के वोट पाएंगे जिवें हुणी एक शख्स पहला अंदरों वोट पा के निकले तो जो उन्होंने पूछा भी गया तो कहते हैं सबन पता है कि मुद्दे ने तो ये जाहिर तौर पर कि जोड़ा मुद्दा कूड़ा साफ सफाई का जिन्होंने कहा जा रहा है
वह खासा अहम रहन वाला है। दूसरा एक जो कहा जाता रहा कि दिल्ली के एम सी डी करप्शन बहुत ज़्यादा है, ये आरोप एम सी डी बीजेपी लगाती रही है, आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा करप्शन है। लेकिन इन दोवों के विचकार सानू एक चीज़ होर याद रखनी होगी, वो एक कांग्रेस कांग्रेस पार्टी जिहड़ी कि लंबे समय तो दिल्ली के शासन च रही लेकिन पिछले कई सालों तो शासन तो बाहर है। हुण कांग्रेस के सामने भी यह चुनौती होएगी कि कांग्रेस किस तरीके दे नाल अपनी उस गवाची जमीन नू हासिल कर सके। देखो लोग हौली हौली इतने वोट पाने आने शुरू हो चुके ने, वोट पा रहे ने, ए जी बिल्कुल हर रहे तुसी तस्वीरां विखांदे रहो, हुण रुक कर लेने आ राजौरी गार्डन दा जिथे साडे सहयोगी जसपाल जुड़े हुए ने। जसपाल, राजौरी गार्डन तो इस समय हुण किस तरह दीआं तस्वीरां सामने आ रहीआं ने, क्योंकि पहलां असीं वेख्या सी शुरुआत सी 8 वजे दा समां सी ते उस समय कोई नहीं पहुंचा सी, कि हुण वोटर्स पहुंचणे शुरू हो गए ने ते की उहनां दे अहम मुद्दे ने इस वारी? जी नीलम, वोटर्स अंदर पहुँचना शुरू हो गए हैं, कुछ देर पहले कुछ लोग अंदर गए सी, बट सवेरे हाले बहुत शुरुआत का टाइम है और वीकेंड का दिन है, इस करके लोगों की गिनती इतने घट दिख रही है। जिवें जिवें समय वधेगा उत्थे उत्थे लोग सानू इत्थे वेखण नू मिलणगे, ते कुछ लोग अगर आप गल करने की कोशिश करिए कि कुछ मुद्दे ने तुहानू जरूर दसांगे, अगर कुछ लोग सामने आणगे ते साडे नाल इत्थे वोटर जुड़ गए ने, जानने की कोशिश करते हैं कि मुद्दे लैके आए, वोट पा के आए। मैम की मुद्दे से तुहाडे अज्ज वोट लई? मोदी जी दे मुद्दे, सारे साडे मुद्दे। की मुद्दा? हमेशा कूड़े दी सियासत लगी दिल्ली विच, ते तुसी की सोचदे हो? नहीं, हो रही है सफाई, बिल्कुल कूड़ा भी उठ रहा है, सफाई भी हो रही है, शौचालय भी है, सब कुछ है, फर्स्ट क्लास। बिल्कुल जसपाल, इतने साफ देखा जा सकता है कि चेहरियां ते इतने चोण लड़ी जा रही है, जिवें इन्होंने कहा कि पीएम मोदी हैगे ते उत्थे इसे विचाले सुन लेंदे आ बीजेपी दे आगू आदेश गुप्ता दा की बयान सामने आ रहा, अपनी जित दा दावा करदे हुए नजर आ रहे ने आदेश गुप्ता। का दिन हमारे लिए भी बहुत उत्साहपूर्ण है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से चुनाव प्रचार में जो मेहनत हुई है उसका सार्थक परिणाम अब आने वाला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 60% से ज्यादा मतदान हो और पहले मतदान फिर जलपान, इसके साथ अगर हम करेंगे तो ज्यादा वोट पड़ेगा और ज्यादा वोट हमारे लिए अच्छा होगा और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। वी फॉर विक्ट्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देकर विजयी। सो लगातार बयान सामने आ रहे ने, उस तो पहला तुहानू तस्वीरां दिखाईआं, अजय माकन वोट पाउण दे लई पहुंचे होए सन, आदेश गुप्ता भाजपा आगू वह भी एम सी डी चोणां दे विच बकायदा लोगों नू अपील भी करते हुए नजर आए कि वध तो वध वोट पाउण जाण लोग, ते नाल ही इस आविष्कार जित दा दावा भी उन्हां दे वल्लों ठोकिया जा रहा सी। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਪਾਲ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵੈਸਟ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਅੱਜ? ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੈਂਡ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਛੱਡਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਐਮ ਸੀ ਡੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,45,05,358 ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿ 78,93,418 ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, 66,10,879 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ 1,061 ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਦੋਂ ਕਵਾਇਦ ਹੋਈ ਤਿੰਨਾਂ ਐਮ ਸੀ ਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐਮ ਸੀ ਡੀ। ਐਮ ਸੀ ਡੀ 1958 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ 2012 ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਉੱਤਰੀ ਐਮ ਸੀ ਡੀ, ਦੱਖਣੀ ਐਮ ਸੀ ਡੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵੀ ਐਮ ਸੀ ਡੀ, 3 ਐਮ ਸੀ ਡੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਜੀ
जी हरप्रीत, फिलहाल तमाम जानकारी दे लई बहुत बहुत शुक्रिया। जसपाल तुहाडा भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो साडे सहयोगी ग्राउंड जीरो ते मौजूद ने ते अपडेट दे रहे ने किस तरह उते वोटर पहुंच रहे ने, की उन्हां दे मुद्दे ने। इत्थे रुकांगे छोटे जे वक्फे दे लई, जल्द हाजिर होवांगे।